मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ ने एक एक करके अखिलेश यादव के हर आरोपों का करारा जवाब दिया। सीएम योगी ने कहा कि हमने संकल्प लिया था कि मंदिर वही बनाएंगे और संकल्प से सिद्धि तक हमने उसे कर दिखाया। हमारी नीति नियत और नियति भी साफ है। हम धर्म के मार्ग पर चले हैं और हमें उसका अच्छा फल भी मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ ने एक एक करके अखिलेश यादव के हर आरोप का करारा जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के आरोपों का करारा जवाब देते हुए कहा कि एक वक्त यूपी में पहचान का संकट था। यूपी के नौजवानों पर टिप्पणी होती थी, आज हर कोई यूपी आना चाहता है। अखिलेश हमेशा मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। यहाँ का नौजवान बाहर नहीं जा सकता था, पहचान छुपाने के लिए मजबूर था। उत्तर प्रदेश से बाहर निकलता था तो भेद इससे देखा जाता था। नौजवान कहीं जाता था, नौकरी नहीं मिलती थी, यहां तो अवसर थे नहीं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश से बाहर जा रहा है तो नौकरी नहीं मिलती थी। सीएम योगी अयोध्या का जिक्र करना नहीं भूले। अयोध्या के बहाने विपक्ष को आईना दिखाया, कहा हमने संकल्प लिया था मंदिर वहीं बनाएंगे और संकल्प से सिद्धि तक हमने उसे कर दिखाया। हमारी नीति नियत और नियति भी साफ है। हम धर्म के मार्ग पर चले हैं और हमें उसका अच्छा फल भी मिल रहा है। हम अंतःकरण से प्रसन्नता इस बात की थी कि प्रभु तो विराजमान हुए हैं, उनके भव्य और दिव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, भारत के गौरव की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, लेकिन प्रसन्नता इस बात की भी थी कि हमने वचन निभाया और मंदिर वहीं बनाया। सीएम योगी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र करते हुए कहा कि 500 साल के लंबे संयम भरे इंतजार के बाद ये कार्य पूरा हुआ। दुनिया में ऐसा पहला उदाहरण था जब भगवान राम को अपने अस्तित्व के लिए, अपनी पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ा। दुनिया के अंदर पहली घटना थी जहां प्रभु को अपने स्वयं के अस्तित्व के लिए स्वयं प्रमाण जुटाने पड़े थे, स्वयं प्रमाण जुटाने पड़े थे, लेकिन राम की मर्यादा हमें धैर्य की प्रेरणा देती है। अयोध्या के साथ साथ योगी ने मथुरा और काशी का जिक्र कर विरोधियों को साफ संदेश दिया। कहा हम अयोध्या काशी और मथुरा तो ही मांग रहे थे और मांग रहे हैं, ये कोई सामान्य स्थल नहीं है। भगवान कृष्ण को बंधक बनाने का प्रयास कर रहे थे, काशी में भी नंदी बाबा अप्रकट हो गए हैं। देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। विपक्ष पर जोरदार प्रहार के साथ ही सीएम योगी ने डबल इंजन की सरकार के कार्य को गिनाया और बताया कि कैसे डबल इंजन की सरकार में प्रदेश का चौतरफा विकास जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।